Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question structure or layout of research report. मतलब कोई भी researcher जब research report लिखते हैं तो उसका structure या layout कैसा होता है, मतलब first page पे क्या होता है, second page पे क्या होता है और फिर subsequent pages के ऊपर क्या होता है, तो वो पूरा structure हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है सिस्टमैटिक बनता है और जो भी मैसेज हम लोग रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं वो इफेक्टिव तरीके से पहुंच पाता है। तो ये स्ट्रक्चर को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कवर पेज एंड टाइटल। नाउ कवर पेज का मतलब क्या होता है कि जहां से तुम्हारे रिसर्च रिपोर्ट की शुरुआत होती है, मतलब ऊपर का जो पेज होता है जिसके ऊपर रिसर्च का टाइटल होता है। फिर बाद में वो जो रिसर्च करने वाला ऑथर या रिसर्चर है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन जो होता है वो मेंशन किया जाता है और उसके नीचे होता है जो भी इंस्टीट्यूशन वो रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम वहां पे आ जाएगा या सपोज कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री का नाम वहां पे आ जाएगा। फिर उसके नीचे होता है कि वो रिसर्च जो है वो कौन से मंथ में किया था और कौन से ईयर में किया था। तो ये सारी डिटेल होती कवर पेज पे। तो कवर पेज से हमको पता चलता है कि रिसर्च का टाइटल क्या है, ये रिसर्च किसने किया है, ये रिसर्च को पब्लिश करने वाला कौन है और ये रिसर्च कौन से मंथ में और कौन से ईयर में हुआ था। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कवर पेज के ऊपर टाइटल होना चाहिए। टाइटल मतलब क्या कि किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया गया या क्या प्रॉब्लम के ऊपर वो रिसर्च किया गया, वो क्लियरली कवर पेज के ऊपर मेंशन होना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं कि किस तरीके से रिसर्च का टाइटल होता है। तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च कर रही है बिकॉज उनके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है या कम होते जा रहा है, तो उनको उसके कॉजेस फाइंड आउट करने की कस्टमर डिससेटिस्फाइड क्यों हो रहे हैं, तो उनका रिसर्च का टाइटल देखो किस तरीके से बन सकता है। रिसर्च रिपोर्ट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन इन मुंबई रीजन। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्लियरली टाइटल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि उनको कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन जो है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना है। उससे उनको पता चलेगा कि कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं और कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट का जो पहला पेज होता है जिसको कवर पेज बोला जाता है उसके ऊपर रिसर्च का टाइटल, रिसर्च करने वाले ऑथर का या रिसर्चर का नाम और उसका डेजिग्नेशन, फिर वो रिसर्च को पब्लिश करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उनका नाम और अगर लोगो होगा तो लोगो भी मेंशन कर सकते हैं और वो रिसर्च कब किया था उसका मंथ और ईयर जो होता है वो मेंशन किया रहता है और रिसर्च का जो टाइटल होता है वो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ये इमेज में देख सकते हो ये कवर पेज है, मतलब इससे तुम्हारे रिसर्च रिपोर्ट की शुरुआत होती है जहां पे सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस क्वालिटी इन अंधेरी टू बांद्रा एरिया। फिर ये रिसर्च रिपोर्ट जो किसको सबमिट करने वाले है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को, और वो जो रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करने वाला ऑथर है या पर्सन है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस तरीके से कवर पेज होता है। तो कवर पेज से पता चलता है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च किसने किया है, वो सारी डिटेल जो होते कवर पेज से पता चलती है। देन सेकेंड पेज पे होता है प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट है या बुक है वो किस तरीके से डेवलप किया गया, उसका आइडिया कैसे आया, उसको प्रीफेस में मेंशन किया रहता है। सो प्रीफेस जो होता है वो जो भी तुम्हारा रिसर्च रिपोर्ट है या जो भी तुम्हारा रिसर्च बुक है उसका इंट्रोडक्शन होता है और इसके अंदर रिसर्चर लिखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है, तो उसको प्रीफेस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रीफेस का एक एग्जांपल देख सकते हो। द प्रेजेंट स्टडी वॉज कंडक्टेड इन 3 स्टेट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लेबर माइग्रेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द रूरल इकोनॉमी इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है यहाँ पे किस तरीके से लेबर माइग्रेशन हो रहा है, उसका रूरल इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में ये स्टडी किया गया। तो कैसे ये टॉपिक जो है वो डेवलप हुआ उसके बारे में प्रीफेस के अंदर मेंशन किया रहता है। देन नेक्स्ट पेज पे होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, थैंकिंग करना, मतलब कि रिसर्च करते समय काफी सारे लोग जो होते हैं वो रिसर्चर को सपोर्ट करते हैं और उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है। टेक्निकल सपोर्ट मतलब क्या, सपोज कुछ लोग है जिन्होंने डेटा कलेक्शन में हेल्प किया, कुछ लोग जो है उन्होंने डेटा एनालिसिस करने में हेल्प किया, फिर बाद में कुछ लोग होते हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से रिसर्चर को यहाँ पे हेल्प किया जाता है जिसकी वजह से रिसर्चर जो अपना रिसर्च कंप्लीट कर पाते हैं और रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर को एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो सब लोगों को थैंक यू कहना पड़ता है। तो जिन्होंने भी उनको टेक्निकली फाइनेंशियली हेल्प किया हुआ है रिसर्च को कंप्लीट करने में उनको यहाँ पे थैंक यू बोला जाता है, उसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो रीडर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है।
इसके वजह से रीडर को क्विक ओवरव्यू मिलता है हर एक चैप्टर का, उसके सेक्शंस का, उसके सब सेक्शंस का, और उसके पेज नंबर क्या है वो भी यहाँ पे पता चलते हैं। तो अगर सपोज रिसर्चर को कोई पर्टिकुलर चीज पढ़नी है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स देख सकते हैं और उनको पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज ये पेज के ऊपर है, तो उनको सारा जो बुक है या सारा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहां पे जंप कर सकते हैं जो उनको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और लाइकवाइज फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर हो सकते हैं, और फिर बाद में ये इसके सब सेक्शंस है, मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर क्या क्या है या रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तो ये सब सेक्शंस है। सो टेबल ऑफ कंटेंट के वजह से जो भी रीडर है उन लोगों को एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है हर एक चैप्टर का उसके सब सेक्शंस के बारे में, और वो पर्टिकुलर सेक्शन को या चैप्टर को वो पेज नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि उनको अगर सपोज ये वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में पढ़ना है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे 9th पेज पे जा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो रीडर को काफी बेनिफिशियल होता है, रीडर को यहाँ पे सारा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ना चाहते हैं वो सेक्शन का पेज नंबर ओपन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और जो सेक्शन उनको नहीं पढ़ना उसको वो स्किप कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं वो लोग। सो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर बेसिकली चैप्टर्स का हेडिंग और पेज नंबर्स होते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट पेज पे होता है लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ टेबल का मतलब क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर अलग अलग टेबल्स होते हैं जिसके अंदर डेटा प्रेजेंट किया रहता है, तो टेबल्स का लिस्ट जो होता है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मेंशन किया रहता है। जैसे कि टेबल नंबर 4.1 ये किसके बारे में है और कौन से पेज पे है, टेबल नंबर 4.2 ये किसके बारे में है और वो कौन से पेज पे है, तो कितने टेबल्स जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर या बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं उसके बारे में ये लिस्ट ऑफ टेबल के अंदर पता चल सकता है। उसी तरीके से लिस्ट ऑफ फिगर, अगर सपोज रिसर्चर ने कुछ ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ जो होते हैं उनका भी लिस्ट यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर 4.1 वो किसके बारे में और उसका पेज नंबर, फिगर 4.2 वो किसके बारे में और उसका पेज नंबर। तो इससे क्या होगा कि जो भी रीडर्स है उनको अगर कोई पर्टिकुलर पेज देखना है तो वो देख सकते। जैसे कि अगर सपोज उनको क्वालिफिकेशन देखना है तो वो 37 पेज पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, जहां पे हर एक चैप्टर जो होता है उनका नाम और उनका पेज नंबर मेंशन किया रहता है। फिर बाद में लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर जो होता है उसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कौन से टेबल्स है उनका नाम और उनका पेज नंबर, और लिस्ट ऑफ फिगर के अंदर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या ग्राफ्स है उनका नाम और उनका पेज नंबर मेंशन किया रहता है। फिर बाद में लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स। तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं तो उसका पूरा जो लिस्ट होता है फुल फॉर्म के साथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है जिसको लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन बोला जाता है। सो जैसे कि अगर सपोज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर AI ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो AI का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीमेंट इंडेक्स, या फिर CMIE इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कभी भी अगर सपोज कोई भी रीडर रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और कोई एब्रीविएशन आता है तो उसका फुल फॉर्म उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन जो होता है वो मेंशन करना पड़ता है, कंपलसरी नहीं होता है बट अगर मेंशन करेंगे तो बेटर रहता है। नेक्स्ट पेज पे होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिसर्चर जो अपने रिसर्च का पूरा समरी लिखते हैं, जैसे कि उनका रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है उसको ब्रीफली वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन से एरिया में रिसर्च किया गया था, कौन से टाइप का रिसर्च है, कौन सा मेथड यूज किया गया था रिसर्च का डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च में उनको क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, क्या क्या कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ऐसा इसका पूरा समरी लिखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी के स्टार्टिंग में एक समरी होता है कि उस स्टोरी किसके बारे में है, जिससे हम लोग को पूरा स्टोरी जो उसका एक आइडिया मिल जाता है। फिर डिटेल में अगर हम लोग को पूरा स्टोरी पढ़ना है तो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो समरी होता है उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये स्टोरी जो है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी होता है जिसके अंदर रिसर्च का पूरा समरी होता है। मतलब सपोज आपको पूरा का पूरा रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ना है लेकिन आपको जानना है कि ये रिसर्च रिपोर्ट किसके बारे में है, तो आप लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ सकते हो और एग्जीक्यूटिव समरी से आपको पता चलेगा कि ये पूरा रिसर्च रिपोर्ट किस चीज के बारे में है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर पूरे रिसर्च की समरी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लेस ऑफ स्टडी मतलब कहाँ पे रिसर्च किया गया था, कौन से टाइप का रिसर्च है, कौन सा मेथड यूज किया गया था ये रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च के फाइंडिंग्स क्या है और कंक्लूजन क्या है, और रिकमेंडेशन जो होते हैं ये सबको एकदम समरी फॉर्म में वहां पे मेंशन किया रहता है।
तो ये सारे प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, मतलब शुरुआत के पेजेस होते हैं। इसके बाद में फिर एक्चुअल रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग एक बार वापस से ग्लैंस करते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले होता है कवर पेज और टाइटल, उसके बाद के पेज पे होता है प्रीफेस, मतलब वो रिसर्च का आइडिया जो है वो किस तरीके से रिसर्चर को डेवलप हुआ, तो वो सब प्रीफेस के अंदर लिखा रहता है। फिर एक्नॉलेजमेंट, मतलब रिसर्च में रिसर्चर को जो जो लोगों ने हेल्प किया है उनको थैंक यू यहाँ पे रिसर्चर्स बोलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो इंडेक्स होता है जहां पे चैप्टर्स का नाम और चैप्टर का पेज नंबर होता है। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो भी टेबल्स है उनके नाम और पेज नंबर, और फिगर्स के अंदर रिसर्च रिपोर्ट में कौन से ग्राफ्स है उनका नाम और उनका पेज नंबर मेंशन किया रहता है। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, मतलब जो भी शॉर्ट फॉर्म्स रिसर्च रिपोर्ट में है उनके फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। और लास्ट में फिर होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब पूरे रिसर्च का वो समरी होता है। इसके बाद में फिर एक्चुअल में रिसर्च रिपोर्ट जो होता है स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन जो होता है यहाँ से एक्चुअल रिसर्च रिपोर्ट शुरू होता है। नाउ ये जो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे जो भी रिसर्च का टॉपिक है उसका पूरा बैकग्राउंड जो होता है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई प्राइमरी एजुकेशन के बारे में रिसर्च किया जा रहा है, तो उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या आएगा, तो प्राइमरी एजुकेशन करने वाले कितने स्कूल्स है, उनका स्टेट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया जाएगा कि कौन से स्टेट में कितने स्कूल्स अवेलेबल है, प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, और ये सारी चीजें जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन में लिखे रहती है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हो तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, कौन से टाइप के इंटरनेट बैंकिंग होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर लिखा रहता है। सो बेसिकली जो भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है या जो भी प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है उसका रिलेवेंट बैकग्राउंड डेटा या इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर लिखा रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, और स्कोप और सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस ऑफ स्टडी, ये सब चीजें वहां पे मेंशन की रहती है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये रिसर्च किस ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है वो लिखा रहता है। हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च के एजम्पशंस क्या क्या है जिसको रिसर्चर बाद में एनालिसिस करेगा और वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं रिजेक्ट हो रहे हैं वो प्रूफ करेगा। फिर रिसर्च का स्कोप क्या है, मतलब किन चीजों का यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, रिसर्च के सिग्निफिकेंस क्या है, रिसर्च के लिमिटेशंस क्या है, ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेंशन किया रहता है। सो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक के ऊपर या जो भी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है उसका थोड़ा बैकग्राउंड डेटा या इन्फॉर्मेशन मेंशन किया रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, स्कोप ऑफ रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च जो होते हैं मेंशन किए रहते हैं। देन सेकेंड चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर कोई भी रिसर्च जब करते हैं तो उनको कुछ पब्लिकेशंस होते हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है, जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह को रिफर कर सकते हैं, जर्नल्स, मैगजीन या रिसर्च रिपोर्ट या दूसरे कोई भी पब्लिकेशन जो होते हैं उसको रिसर्चर यहाँ पे रिफर करते हैं। अभी ये रिफर क्यों किया जाता है या कंसल्ट क्यों किया जाता है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के वजह से रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके बारे में एक अच्छा इनसाइट्स, मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डीप में नॉलेज मिलता है। प्लस रिसर्चर को यहाँ पे पता चलता है कि प्रीवियसली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी ने कोई रिसर्च किया था क्या, और उन्होंने रिसर्च किया था तो उसके ऊपर उनको क्या फाइंडिंग्स मिले और उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशंस दिया था। तो बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो आपको ये पता करने में हेल्प करता है कि आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर पहले कितना रिसर्च हुआ है और उन्होंने उस रिसर्च के अंदर क्या क्या किया था और क्या क्या फाइंड आउट किया है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम का मिलने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना बहुत जरूरी होता है। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करता है, और जब रिसर्चर उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से समझेगा तो वो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर पाएगा। मतलब उसको पता चलेगा कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को कैसे एनालिसिस करना है वगैरह, सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पे रिसर्चर को रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वजह से पता चलता है। सो बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन, रिसर्च रिपोर्ट और दूसरे पब्लिकेशन जो होते हैं उनको कंसल्ट किया जाता है या रिव्यू किया जाता है ताकि रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब क्या, रिसर्च करते समय रिसर्चर ने क्या क्या मेथड यूज किए हैं, जिसके अंदर अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि कौन से टाइप का रिसर्च है, कौन से सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया गया है,
फिर रिसर्च का यूनिवर्स, मतलब किसको रिसर्च के लिए कवर किया गया है, जिनके पास से डेटा कलेक्ट करेंगे, टारगेट रिस्पोंडेंट या पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सो यूनिवर्स बोलो, टारगेट रिस्पोंडेंट बोलो या पॉपुलेशन बोलो, वन एंड द सेम, मतलब किसको यहाँ पे रिसर्च के लिए टारगेट किया गया है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विस सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, तो जो लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूनिवर्स हो जाएंगे। या अगर सपोज इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, तो जो लोग इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को यूज कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे यूनिवर्स हो जाएंगे, और उन्हीं को टारगेट रिस्पोंडेंट या पॉपुलेशन बोला जा सकता है। फिर कौन सा सैम्पलिंग का डिजाइन या टाइप यूज किया गया था और कितना सैंपल साइज था, वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च मेंशन किया गया है कि कौन से टाइप का रिसर्च है, जैसे कि अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकता है, एनालिटिकल रिसर्च हो सकता है, तो ये आप जो रिसर्च कर रहे हो कौन से टाइप का रिसर्च है वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है, कौन से टाइप का डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। फिर डेटा कैसे कलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर से डेटा कलेक्ट किया है, इंटरव्यू से कलेक्ट किया है, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया है, तो वो यहाँ पे लिखा रहता है। फिर टारगेट पॉपुलेशन, किसके पास से डेटा कलेक्ट किया और कितना सैंपल साइज, बिकॉज सबके पास से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कितने सैंपल सिलेक्ट किए थे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है। सैंपलिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, तो कैसे सैंपल्स को सिलेक्ट किया गया था वो मेंशन किया रहता है, कौन से एरिया में रिसर्च किया गया था और रिसर्च का डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल्स को यहाँ पे यूज किया गया, वो सब रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर के अंदर लिखा रहता है। तो इससे बेसिकली रीडर्स को ये पता चलता है कि रिसर्च कैसे किया गया है, तो उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी बोला जाता है। तो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट होने दो, पीएचडी थीसिस होने दो, रिसर्च रिपोर्ट होने दो या मेजर माइनर रिसर्च होने दो, उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी मेंशन करना काफी जरूरी है। देन नेक्स्ट पेज होता है फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, मतलब ये जो रिसर्च किया गया था जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया, तो उसमें से क्या क्या फाइंड आउट किया गया। सो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है और डेटा का रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है कि डेटा क्या कह रहा है। ये जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च का, बिकॉज डेटा के वजह से क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च के अंदर। और फाइंडिंग जो होते हैं उसको टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि सपोज ये पर्टिकुलर रिसर्च जो है वो कंडक्ट किया गया था और यहाँ पे उसका टेबल बनाया गया है कि जिनके पास से भी डेटा कलेक्ट किया तो उनका इनकम लेवल कितना है, तो उसका फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसको ऐसे ग्राफ में या चार्ट में वगैरह प्रेजेंट किया जा सकता है, तो फाइंडिंग्स को बेसिकली यहाँ पे टेबल के फॉर्म में, चार्ट या पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। और फाइंडिंग जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालाइज किया जाता है और उसमें से ये फाइंडिंग जो होते हैं निकाले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब डेटा कलेक्ट किया गया था तभी हर एक रिस्पोंडेंट के पास से उनका इनकम लेवल कितना है उसका डेटा कलेक्ट किया गया होगा। और अगर सपोज कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर रिसर्च किया है तो कौन सा कैशलेस ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड कितने लोग यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट कितना यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कितने लोग यूज करते हैं, तो उसका यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके उसका चार्ट या फिर उसके पिक्चर जो होते हैं वो बनाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है और उसको टेबल के या चार्ट या पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन जो होता है फाइंडिंग्स का समरी होता है, मतलब जो जो रिसर्चर ने वो डेटा से फाइंड आउट किया उसका एक समरी जो होता है वो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ रहता है। तो बेसिकली ये जो कंक्लूजन होता है वो पूरा रिसर्च जो होता है उसका एक रिजल्ट होता है। मतलब जैसे कि हम लोग सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वेदर पीपल आर सेटिस्फाइड और नॉट वो कंक्लूजन के अंदर लिखा रहता है। तो पूरा डेटा जो है उसको एनालिसिस करने के बाद में सारे जो फाइंडिंग्स है उसमें से यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो कंक्लूजन के अंदर लिखा रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी होते हैं। रिकमेंडेशन कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। रिसर्चर को अगर ऐसे लगता है कि रिकमेंडेशन देना जरूरी है तो वहां पे रिसर्चर क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं। रिसर्चर रिकमेंडेशन देते हैं लेकिन वो जो कंसर्न अथॉरिटी है जिनको ये रिसर्च रिपोर्ट सबमिट किया गया उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए हमने कोई रिसर्च किया और हमने गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दिए, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिसर्च किया गया और जिसमें ये पाया गया कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सर्विसेज है वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है या फास्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे वो रिसर्चर रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के सर्विसेज जो उसके लिए स्पीड बढ़ाना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा डॉक्टर्स को, ज्यादा सिस्टर्स को और ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ जो उनको रिक्रूट करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे, कभी वो एक्सेप्ट भी कर सकते कभी एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते।
तो रिकमेंडेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि रिसर्च करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे रिसर्चर को पता चला, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या सॉल्व करने के लिए रिसर्चर यहाँ पे कुछ वे या कुछ रास्ता जो होता है वो सजेस्ट करता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये जो वे होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या रिकमेंडेशन जो होते हैं वो अथॉरिटी जो होती है वो एक्सेप्ट कर भी सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। अभी यहाँ पे कंक्लूजन और रिकमेंडेशन जो होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो कंक्लूजन, जैसे कि सपोज हाफ पेज का आपने कंक्लूजन लिखा, फिर नेक्स्ट पेज पे आप रिकमेंडेशंस लिख सकते हो, तो इस तरीके से कंक्लूजन और रिकमेंडेशन एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट या सप्लीमेंट, जो भी रिसर्च रिपोर्ट के साथ अटैच किया रहता है उसको अपेंडिक्स बोला जाता है। ये जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट के एंड में अटैच किया जाता है। अपेंडिक्स के अंदर क्या क्या चीजों को अटैच किया जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चनर है जिससे आपने डेटा कलेक्ट किया, तो क्वेश्चनर को आप रिसर्च रिपोर्ट के एंड में अटैच कर सकते हो। कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है जो काफी बड़ा है जिसको आप रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उसको आप रिसर्च रिपोर्ट के एंड में अटैच कर सकते हो। या कोई भी ग्लॉसरी या की टर्म्स या कोई इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटेंसेस है जो आप लोग रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए, तो उसको आप एंड में मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के साथ जो अटैचमेंट्स होते हैं उसको अपेंडिक्स बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, कोई भी रिसर्च जब रिसर्चर करते हैं तो वो कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी हमने देखा कि जहां पे कुछ बुक्स, जर्नल्स या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर में होते हैं उसको कंसल्ट किया जाता है, जिससे रिसर्चर को एक आइडिया मिलता है कि वो रिसर्चर अपना रिसर्च किस तरीके से करे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दूसरों का लिटरेचर जो होता है उसको रिफर करके रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए कुछ आइडिया लेता है। अभी जब भी रिसर्चर किसी दूसरे के पास से आइडिया लेता है तो उसको वहां पे क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। मतलब सपोज मैं मेरा रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा हूँ, उसके लिए मैंने किसी और का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें से मुझे कुछ आइडिया मिली, उसको मैंने मेरे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया, तो मुझे उसका नाम भी वहां पे मेंशन करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे होगा कि मैं उस पर्टिकुलर रिसर्चर का काम जो है वो अपने नाम से वहां पे मेंशन कर रहा हूं, ऐसा होगा, जिसको प्लैगरिज्म बोला जाता है। मतलब आप लोग यहां पे क्या कर रहे हो, किसी और का जो कंटेंट है उसको चोरी कर रहे हो, उसको प्लैगरिज्म बोला जाता है। तो जब भी आप लोग किसी और के आइडिया को कॉपी करते हो तो उसको बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। इसका मतलब आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, आप उनका नाम वहां पे लिख रहे हो और बता रहे हो कि ये जो आइडिया है वो मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से मिला हुआ है या इस पर्टिकुलर ऑथर से मिला हुआ है। सो रिसर्च खत्म होने के बाद में बिब्लियोग्राफी जो होता है वो लिखना काफी जरूरी होता है। बेसिकली अकेडमिक और सोशल रिसर्च जो होता है उसके अंदर बिब्लियोग्राफी मस्ट होती है। बिब्लियोग्राफी के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, तो टाइटल ऑफ बुक, आर्टिकल, मैगजीन और रिपोर्ट। मतलब क्या होता है, सपोज आपने कोई जर्नल पढ़ा था और उस जर्नल के अंदर आपको कोई आइडिया मिले तो आप लोग उसका बिब्लियोग्राफी लिखोगे, जिसके अंदर आप लोग वो जो पर्टिकुलर जर्नल था उसका टाइटल क्या है वो लिखोगे। जैसे आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो कि ये टाइटल लिखा गया है। फिर नेम ऑफ द ऑथर, वो रिसर्च किसने किया था जिसको आपने रिफर कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो आप लोग फर्स्ट जो देख रहे हो वो नाम है जिसने वो रिसर्च किया गया है। फिर बाद में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो रिसर्च जो कब किया गया था, तो आप लोग यहाँ पे ईयर देख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ईयर लिखा हुआ है। पेज नंबर ऑफ द मैटर यूज्ड इन द रिसर्च वर्क, आपने जो भी रिसर्च वर्क का मैटर रिफर किया था उसका पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, 120 से 128, 47 से 57, ये आपको वहां पे बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होता है। और अगर सपोज आपने किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लिया है तो वेबसाइट को भी आप लोग वहां पे पेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली बिब्लियोग्राफी में आप क्या कर रहे हो, किसी के आइडिया अगर आप आपके रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो तो उसको क्रेडिट दे रहे हो। मतलब उसकी सारी डिटेल, उसका नाम क्या है, उसके रिसर्च का टाइटल क्या था, कौन से ईयर में उन्होंने रिसर्च किया था, फिर आपने वो जो मैटर लिया है वो कौन से पेज के ऊपर का लिया है, तो वो सारी चीजें जो होती है बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन की रहती है। एंड द लास्ट वन इज सिग्नेचर एंड डेट। मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसके ऊपर रिसर्चर की या जो कमिटी ने वो रिसर्च किया है उनका सिग्नेचर और उनका डेट होना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से वो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो ऑथेंटिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी वापस से देखते हैं, हम लोग ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव समरी में हमारे प्रीलिमिनरी पेजेस खत्म हो जाते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कवर पेज होता है, इंडेक्स वगैरह होता है, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ ग्राफ वगैरह और एग्जीक्यूटिव समरी होता है। उसके बाद में मेन हमारे रिसर्च रिपोर्ट शुरू होता है, जिसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में जो भी हमने रिसर्च किया है या जो भी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड डेटा जो होता है या इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मेंशन किया रहता है। उसी के साथ साथ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, स्कोप, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन जो होते हैं वो मेंशन किए रहते हैं। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि आपने रिसर्च करने के लिए कौन से पब्लिकेशन को कंसल्ट किया है, उनको आपको मेंशन करना पड़ता है।
फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब आपने जब रिसर्च किया था तो उसके लिए आपने कौन से बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन, इनको कंसल्ट किया था और वहां से आप लोगों को रिसर्च का आइडिया मिला, उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे आपने किस तरीके से रिसर्च किया उसका पूरा मेथोडोलॉजी मेंशन किया रहता है कि कौन से एरिया में रिसर्च किया गया, कौन सा सैम्पलिंग मेथड फॉलो किया गया था, फिर आपके रिसर्च का यूनिवर्स क्या था, सैम्पल साइज कितना था, फिर कौन से टाइप का रिसर्च था, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया, वो सब यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर के अंदर मेंशन किया रहता है। देन फाइंडिंग्स, रिसर्च में आपने जब डेटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज किया तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिले उसको आपको टेबल या चार्ट या पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। देन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, मतलब आपने रिसर्च करने के बाद में आपको क्या कंक्लूड करना है, और आपको अगर सपोज वो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई रिकमेंडेशन देना है तो एज अ रिसर्चर आप वो रिकमेंडेशन दे सकते हो। देन अपेंडिक्स, मतलब अटैचमेंट, अगर कोई क्वेश्चनर हो सकता है या टेबल हो सकता है या कोई भी ग्लॉसरी या की टर्म्स होते हैं वो अगर आपको अटैच करना है तो यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के एंड में अटैच कर सकते हो। फिर बिब्लोग्राफी, जिनको भी आपने रिसर्च करते समय रिफर किया है, जिनके पास से आपको रिसर्च के लिए आइडिया मिली है, उनको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बिब्लोग्राफी के अंदर क्रेडिट देना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या होता है, उसको प्लैगरिज्म कंसिडर किया जाता है। और रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट में होता है सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट सबमिशन। तो ये सारी डिटेल जो होती है रिसर्च रिपोर्ट के अंदर होती है, इसी को रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर या लेआउट बोला जाता है। सो आई होप कि आप लोग जब भी कोई भी रिसर्च पेपर लिखोगे, थीसिस लिखोगे या कोई ब्लैक बुक प्रिपेयर करोगे या कोई भी जर्नल के लिए आर्टिकल वगैरह बनाओगे तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं हो सकती, जैसे कि रिसर्च पेपर के अंदर वो चीजें जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो रिसर्च रिपोर्ट में नहीं होती है, रिसर्च रिपोर्ट में उसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। थीसिस के अंदर आप लोग एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हो या किसी भी रिपोर्ट के अंदर आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हो। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट आप लोग कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे देखना जरूरी होता है, बट जनरली किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है वो हम लोग ने देखा। तो इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर और लेआउट यहाँ पे हमने देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।